अस्सलाम वालेकुम वालदा की रसोई में आपका इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे आलू छोले की सब्जी। छोले आलू मिक्स करके बनाएंगे। इसके लिए हमने ये दो आलू लिए थे छोटे छोटे, इसको उबाल लिया हमने, छोले में उबाल लिए। अभी ये छोले उबल गए हमारे, अच्छे से गल गए, और ये आलू भी हमने बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है। और ये लहसुन अदरक प्याज इसकी पेस्ट बना ली है, इसमें मिर्च मसाले निकाले हैं। और ये दो टमाटर हमने इसकी फिर बनाई, ये डालेंगे हम इसमें। अब हम दिखाते हैं, अभी मसाले डालेंगे। अब इसमें हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये हमने 1.5 चम्मच है धनिया, क्या डाला हमने मसाला, 1.5 चम्मच धनिया, और ये 1 चम्मच मिर्च है, पूरी 1 चम्मच हो गई, आधा पहला भी आधा, और ये 1/2 चम्मच ये हल्दी है। अब अभी हम बनाते हैं, देखें। और ये 1 चम्मच हमने ये छोले मसाला लिया, छोले मसाला हमने ये वाला लिया है, ये लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालें, मसाला पूरा हम इसी में बना लेंगे। ये डाल दिए छोले मसाले, तेल हमारा गरम हो रहा है। अब इसमें हम ये डालेंगे, 2 लौंग हैं, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, और ये जीरा, ये हम इसे इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी एक पिंच होगी ये चुटकी हींग, ये हींग भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। हमने ये पानी में घोल के रखा था, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना के उसके मसाले के साथ, पूरा मसाला हमने इसमें पानी में घोल के थोड़ा सा पानी डाल के और ये सब डाल दिए, प्याज अदरक लहसुन सब कुछ इसी में है। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे हम, फिर टमाटर डालेंगे। अभी दिखा दें, अभी जो इसे 2-3 मिनट तक भूनेंगे मसाले, तो हम अपने ये टमाटर की पेस्ट डालेंगे। अभी तो इसे थोड़ा भूनना है मसाला सही से, इसकी हल्दी की महक निकल। अब हम इसमें अपनी टमाटर की पेस्ट डालेंगे, जो हमने टमाटर पीसे थे अब वो भी हमने इसमें डाल दी। अब इसको डाल के खूब भूनेंगे, जब ये भून जाएंगे तो छोले और आलू तोड़ लो। ये मसाला भून लिया, और हम इसे डालेंगे। और ये आलू है, ये डालते हैं, मिक्स करते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे बिना मिक्सिंग, बस ऐसे रहते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के अब 3-4 मिनट और पकाएंगे। बस हमारे छोले आलू तो गले हुए हैं। आप बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है, आप बना के देखना, और जल्दी भी बन जाती है और अच्छी भी लगती खाने में। आप हमारी तरह भी बना के देखो, आप पसंद आए तो हमारे शेयर करना, लाइक करना हमारे वीडियो को, अच्छा बनाएगा। बस आप इसको ढक देंगे मीडियम गैस पर, 2-3-4 मिनट पकाएंगे बस, उसके बाद बंद करेंगे गैस। अब ये आलू छोले हमारे बन गए, अब इसमें हम धनिया डालेंगे। तो एकदम बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुशबू आ रही है इसमें से बहुत अच्छी। आप इस तरह से बना के देखें, हम खाएँ, हमें कमेंट में बताएं कि हाँ बहुत अच्छी सब्जी है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट में बताएं। अभी देख सकते हैं आप, हमारे छोले बन के तैयार हो गए, छोले आलू की सब्जी। ये छोले आलू की सब्जी बनाई हमने, एकदम बहुत अच्छी बनी है। आप हमारी तरह बनाएं और खाएं, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, हमारे वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।